स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज और भाजपा के दिल्ली से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बयान पर करारा जवाब दिया है। सोमवार 5 अगस्त को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की, जिसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रही बहस को लेकर पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के आधार पर उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। हम सभी की तरह उन्हें भी आजादी का अधिकार है। यूनाइटेड नेशंस का गठन क्यों किया गया है और क्या वह सो रहा है? कश्मीर में जो लगातार अकारण मानवता विरोधी आक्रमण हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही शाहिद अफरीदी ने अपनी इस पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए शाहिद अफरीदी ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में जरूरी मध्यस्थ की भूमिका अदा करनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका को पहले ही भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि यह हमारा मामला है और इसे हम ही सुलझाएंगे। वहीं गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए कहा कि चिंता ना करिए, पीओके का हल भी निकालेंगे। मामले में गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में शाहिद अफरीदी को टैग करते हुए लिखा, शाहिद अफरीदी एक बार फिर हाजिर है, अकारण आक्रमण मानवता के खिलाफ अपराध है, यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह बताना भूल गए कि यह सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। चिंता मत करिए, हम इसका हल भी निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।